हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पारा मेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन होने वाला है आप लोग का, क्लास होने वाला है, वो होगा आप लोग का अस्तन ग्रंथि से, क्योंकि अस्तन ग्रंथि से यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो पूरा क्लास कीजिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। अस्तन ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं तो एकदम बढ़िया से बात समझिएगा। ठीक है, अस्तन ग्रंथि जो होता है यह पुरुष में भी पाया जाता है और महिला में भी पाया जाता है। पुरुष को नर बोलते हैं और महिला को क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। तो अस्तन ग्रंथि जो होता है वह पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। जैसे जो लड़का है उस लड़का में भी अस्तन पाया जाता है और लड़कियों में भी अस्तन पाया जाता है। तो लड़कियों का अस्तन आप सब लोग देख लेते हैं लेकिन अपने का नहीं देखता है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, समझिए, यह पुरुष का जो अस्तन ग्रंथि होता है इसमें कह सकते कि वृद्धि कम होता है। पुरुष का अस्तन ग्रंथि जो होता है तो पुरुष के अस्तन ग्रंथि में वृद्धि जो है कम होता है, जबकि यही कहा देखा जाए अगर महिला के अस्तन ग्रंथि में, तो महिला का अस्तन ग्रंथि जो है इसमें हल्का वृद्धि हो जाता है। क्या हल्का, थोड़ी, या कह सकते थोड़ा वृद्धि होता है। क्या होता है, अब ये अत्यधिक मात्रा नहीं होता, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में होगा अगर अस्तन में वृद्धि तो वो पूरा शरीर को ढक देगा, पूरा है कि नहीं, कमर तक भाग चला जाएगा लटक करके, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन पुरुषों में वृद्धि कम, वृद्धि कम या कह सकता कि वृद्धि होता ही नहीं, चलो वृद्धि नहीं होता है। चलो यहाँ पे देख रहे, इसमें वृद्धि जो पुरुष में है वो नहीं होता है। क्या वृद्धि पुरुष में नहीं होता है, महिला में थोड़ा वृद्धि होता है। चलिए समझिए बढ़िया से, अगर हम यही बात कर रहे हैं पुरुष और महिला का, तो पुरुष में एक चीज देखा जाता है कि पुरुष में अस्तन ग्रंथि का कोई कार्य नहीं होता है। इसमें अस्तन ग्रंथि का पुरुष में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि अस्तन से जो है दूध पिलाने का काम महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करता है। सबको पता है कि पुरुष जो है कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकता है और ना ही अपने बच्चे को दूध पिला सकता है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों ने ऐसा भेथराने वाले लोग जो है ना, जबरदस्ती बोल देते हैं बच्चे की, हम जी मुंह जाते हैं ना सर, तो अस्तन जो बढ़ जाता है हमसे पानी के जैसा द्रव निकलता है, वो भी बताएंगे का है। तो देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, तो पुरुष में जो अस्तन ग्रंथि होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, इसका कोनो कार्य नहीं होता है, इसमें वृद्धि नहीं के बराबर होता है, जबकि महिला में थोड़ा वृद्धि होता है, अधिक मात्रा नहीं होता है। अब कहने का मतलब अस्तन जो है कुछ वृद्धि करेगा तभी ना संतान को दूध पिला पाएगा। अब अधिक मात्रा में कर देगा दिक्कत, अधिक मात्रा में क्या कमर तक लटक के नहीं आएगा, ठीक है, उतना भी नहीं करता है। तो यानी कह सकते हैं कि महिला का जो अस्तन होता है वो हल्का वृद्धि करता है, जिससे संतान को दूध पिलाने में सुविधा होती है। तो देखिए, ये अस्तन ग्रंथि जो ये दिखाई दे रही अस्तन ग्रंथि है, तो ये शरीर के ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं वच्छुहुआ। क्या बोलते हैं, वच्छुहुआ बोल सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे इस भाग को बोल सकते हैं आधारीय भाग। तो ये जो वच्छुहुआ है ना, इसके ठीक सामने, ये वच्छुहुआ है इसके ठीक सामने जो है दो गो अस्तन होता है, होता है कि नहीं होता है, सब कुछ देखा है। अगर कभी नहीं देखा है ना तो कभी गर्ल्स को देख लो, अगर गर्ल्स लड़का को नहीं, को नेचर होता है कि गर्ल्स को देखेगा ना तो गर्ल्स का चेहरा नहीं देखेगा, वही देखेगा, अस्तने पर ध्यान रहता है। इधर देखिए, तो पुरुष जो होते हैं ना महिला, ये नेचर होता है, ऐसा नहीं कि हमने बता रखा है, जो पुरुषों का ये नेचर होता है ना कि जब भी लड़कियों पर अगर गलत नजर से ताक रहा है, गलत नजर से सोच रहा है, तो वो लड़कियों के अस्तन की तरफ ही देखता है। देखिए ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे, ऐसा क्यों लड़का करता है। जो देखिए पहले यहाँ पे समझ लीजिए, पुरुष जो होता है कार्य इसमें पुरुष में कम होता है अस्तन ग्रंथि, जबकि महिला में अधिक थोड़ा सा बढ़ता है, इसमें कार्य क्या होता है, तो महिला का कार्य होता है अस्तन ग्रंथि का दूध पिलाने का। महिला क्या करती है, अपने अस्तन से दूध पिलाती है, ठीक है। अब ये दूध पिलाती सब कोई जानता, क्या करती है, संतान को दूध पिलाती है, यहाँ पे लिख देते हैं दूध पिलाना। तो महिला के अस्तन ग्रंथि का क्या काम हो गया बाबू, महिला का अस्तन ग्रंथि काम हो गया संतान को दूध पिलाना, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो वच्छुहुआ के दोनों ओर उभरा हुआ जो भाग होता है, ये हमारे शरीर का वच्छुहुआ है और इसे उभरा हुआ जो भाग होता है इसी को अस्तन बोलते हैं। तो अस्तन, ये पूरा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको कहते अस्तन, ठीक है। तो इसमें जो है ना अस्तन के सबसे आगे वाले भाग, अस्तन जो यहां से शरीर हो गया, इधर से पूरा क्या हो गया, शरीर का भाग हो गया, इधर क्या हो गया बाबू, शरीर का भाग, एक एक बात समझना है, क्या हो गया, शरीर का
भाग हो गया। जैसे हम ही को 2 किलो, ये जो है ना, ये जो संरचना है, यहां से अस्तन का विकसित होगा, उभार निकलेगा बच हुआ से, तो अस्तन का वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं शरीर का भाग, यही से जुड़ा होता है अस्तन, तो ये शरीर का क्या हो गया, भाग हो गया। अब इसके आगे जो अस्तन है, इसके आगे देखिएगा तो एक ब्लैक जैसा जो है हल्का चुच्चुक होता है निकला हुआ, एक लंबा जैसा संरचना निकला होता है, इसको चुच्चुक बोलते हैं या निप्पल इंग्लिश में कह सकते हैं। और इसी चुच्चुक की सहायता से जो है संतान दूध पीता है, क्या करता है, इसी चुच्चुक की सहायता से संतान दूध पीता है, दूध पीता है, यहां पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी की बात आ जाती है कि संतान जो है अस्तन ग्रंथि किसके सहायता से दूध पीता है, तो चुच्चुक की सहायता से, यानी निप्पल की सहायता से संतान जो है दूध पीता है। लेकिन ये जो चुच्चुक होता है ना, ये पुरुष और महिला दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। चुच्चुक कहाँ होता है, तो चुच्चुक जो है महिला और पुरुष दोनों में होता है। चुच्चुकों में जो होता है निप्पल, वो पुरुषों में एकदम कम ना के बराबर विकसित रहता है, शरीर में सटा होता है, जबकि महिला का जो निप्पल होता है वो थोड़ा सा वृद्धि कर जाता है, और इससे मुख में लेकर संतान जो है दूध का अस्तन पान करता है, यानी कह सकते हैं दूध पान करता है, अस्तन पान नहीं कर सकते, दूध पान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो निप्पल्स भाग होता है, इस निप्पल्स भाग को, तो जब आप अस्तन को देखा जाता है, जब आप अपने शरीर के अस्तन को देखेंगे, तो अस्तन के ये चारों तरफ जो किनारे का जो ये संरचना, जो दीवार होता है, ये जो त्वचा होता है, इस त्वचे वाले भाग को जो है हम लोग कहते हैं अस्तन परिवेश, इसको बोला जाता है अस्तन परिवेश बोलते हैं। एक एक बात समझिएगा, क्या बोलते हैं, अस्तन परिवेश कहते हैं, अस्तन परिवेश कहते हैं, या इसी को जो है ना हम लोग बोल सकते हैं एरी रोला भी कह सकते हैं, या एरी ओला भी कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरी ओला भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बोलते एरी ओला बोलती है, ठीक है, अस्तन परिवेश कर सकते हैं। तो ये अस्तन जो भाग होता है, ये अस्तन के किनारे वाला जो पोर्शन होता है, भाग होता है, जो त्वचाएं होती है उसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं, पूरे पोर्शन को बोलते हैं अस्तन परिवेश बोलते हैं, ठीक है। और ये अस्तन परिवेश जो भाग होता है, इसके जस्ट अंदर में ये जो संरचनाएं दिख रही है, सारे संरचनाएं दिख रही है, इसको कहा जाता है बसीय पिंडक, इसको क्या बोलते हैं, बसीय पिंडक बोलते हैं। यानी ये जो अस्तन परिवेश होता है, इस अस्तन परिवेश के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये जो अस्तन परिवेश होता है, इस अस्तन परिवेश के अंदर में क्या होता है, बसा का जमाव होता है। अंदर में किसका जमाव होता है, तो अंदर में बसा जमता है, क्या जमता है, बसा का जमाव होता है, यहां पर लिख देते हैं बसा का जमाव, क्या होता है बाबू, वसा का जमाव होता है। तो ये बसा का जमाव होता है, तो बसा का जमाव होता है, इसी कारण जो है ना अस्तन फूला होता है, बसा का जमाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, अस्तन फूला होता है, अस्तन फूला होता है, चलिए फूला होता है, एक एक बात समझिएगा यहाँ पे अच्छे से, क्या होता है, अस्तन फूला होता है। तो यहां पर समझिएगा कि जब इसकी जो अस्तन परिवेश पूरा भाग है, इस अस्तन परिवेश के भाग के चारों अंदर, जस्ट अंदर में ये चारों जो पर बुंदे बुंदे हमने दर्शाए है, तो ये बसीय पिंड होता है, यानी बसा इसके अंदर जमा होता है, और इस बसा जमने के कारण जो है अस्तन क्या होता है, फूला होता है। अब ये बसा जो इसके अंदर बसा हुआ है, तो इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में संयोजी ऊतक होता है, क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। और यह संयोजी ऊतक जो होता है, इसके अंदर में वह 15 से 20 पाली में बटा होता है, कितने पाली में बटा होता है, 15 से 20 पाली में बटा होता है, पालियों कर देते हैं, 20 पालियों में बटा होता है, चलो ठीक है, क्या होता है, 15 से 20 पालियों में बटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो बीच बीच में जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसको बोल सकते हैं कि संयोजी ऊतक, और ये बसा ऊतक के अंदर में ही होता है संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक में जो है लगभग 15 से 20 पाली में ये बटा होता है, कितने पाली में बटा होता है, 15 से 20 पाली में बटा होता है। और ये जो 15 से 20 पालियां में बटा होता है संयोजी ऊतक, इसको समझिएगा, 15 से 20 पाली में, तो इस पाली को, इसको बोलते हैं 15 से 20 पाली में बटा होता है, तो ये आगे जाकर के पालिका बनता है, क्या बनता है, इसको पालिकाओं में फिर विभाजित होता है, किसमें, पालिका में। अब ये पालिका में जो विभाजित हो जाता है, इसी को बोलते हैं समूह को, तो ये पालिका जो अंगूर के गुच्छे के समान, याद रखिएगा, अंगूर के गुच्छे, क्या बाबू, अंगूर के गुच्छे,
अंगूर के गुच्छे। तो देखिए अंगूर के गुच्छे के समान जो है इसमें एक संरचना बनता है, क्या बनता है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, क्या बनता है, संरचना बनता है। तो अंगूर के गुच्छे के समान जो इस संरचना बनाता है, तो इस संरचना जो बनाता है ना अंगूर के गुच्छे के समान, इसको ये जो संरचना है ये सभी दिखाई दे रही है, ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना है। ये जो अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना बनाता है, तो ये सभी जो अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना है इसको बोलते हैं दूध ग्रंथि। क्या बोलते हैं, दूध ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखिएगा दूध ग्रंथि कहते हैं, और इस दूध ग्रंथि को जो है ना दूसरे भाषा में एल्वीओलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको दूसरे भाषा में एल्वीओलाई भी कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, एल्वीओलाई, एल्वीओलाई कहते हैं, ठीक है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे समझ लीजिए कि जितने भी है ना 15 से 20 पालिका में बटा है, वो सब पालिका में बन जाता है, बदल जाता है, और ये जो पाली जो पालिका में बदलता है, पालिका जो है ना अंगूर के गुच्छे के समान इस अस्तर ग्रंथि के अंदर एक संरचना बनाता है। ये सभी जो अंगूर के गुच्छे के समान ही संरचना दिखाई दे रहा है, तो इस सबको ग्रंथि बोलती है, दूध ग्रंथि, और यहीं पे दूध जो है जमा होता है, और सभी दूध ग्रंथि से एक एक नली, देखिए एक एक नली जो है निकलता है, उस नली को मिल्क वाहिनी बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है लैक्टोफेरस नली। क्या बोलते हैं, लैक्टोफेरस, लैक्टोफेरस नली। तो ये लैक्टोफेरस नली जो होता है ना, ये लैक्टोफेरस नली सभी एक साथ मिलकर के निपल्स के साथ जुड़ जाता है, और इसी से, और इसी लैक्टोफेरस नली से जो है दूध अस्त्रावित होकर के इस चुच्चुक की सहायता से अस्तन ग्रंथि से बाहर निकलता है। तो जब प्रसव की क्रिया हो जाती है, जब प्रसव यानी जब डिलीवरी की क्रिया हो जाता है, संतान शरीर से बाहर निकल जाता है, तो प्रसव की क्रिया होने के बाद इसी चुच्चक की सहायता से, ये जो चुच्चुक है, इस चुच्चुक की सहायता से दूध का अस्त्रावन होता है, और दूध का जो ये अस्त्रावन होता है वह संतान की उत्पत्ति के लगभग 24 घंटे के भीतर हो जाता है। कितने, 24 घंटे के भीतर हो जाता है। तो ये सभी याद रखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे समझिए, इसमें गांठ के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा समझ लीजिए। दूध वाहिनियां जो होता है, समझ लो, देखो यहाँ पे दूध वाहिनियां सभी जो है जिसको लैक्टोफेरस नली कहते हैं, सभी एक साथ मिलकर के चुच्चुक के पास जाके जुड़ता है, और यहाँ पे एक महीन छिद्र होता है जिसकी सहायता से निपल्स के द्वारा दूध जो है बाहर निकलता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि अस्तन ग्रंथि के अंदर जो अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं दिखाई देती है उसे दूध ग्रंथि या एल्वीओलाई कहते हैं, ठीक है। इस अस्तन ग्रंथि के अंदर संयोजी उत्तक होता है जो 15 से 20 पालियों में बटा होता है। संयोजी उत्तक के बगल में बसा का पिंड जमा होता है, बसा जमा होता है जिसे बसीय पिंड भी कहते हैं, या और ये बसा का जमा होने का अस्तन कैसा होता है, अस्तन जो है फूला हुआ होता है, कैसा होता है, फूला होता है। ये अस्तन के चारों तरफ के भाग जो होते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, उस भाग को अस्तन परिवेश कहते हैं, या इसी को एरियोला कहते हैं, और एरियोला के अंदर में बसा का जमाव होता है, ठीक है। अस्तन ग्रंथि महिला और पुरुष दोनों में होता है, महिला में दूध पिलाने का काम करता है जबकि पुरुष में कोई कार्य नहीं होता, पुरुष में दूध ग्रंथि का यानी अस्तन ग्रंथि का कोई कार्य नहीं होता। अब इसके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है समझेंगे बुढ़िया से अस्तन में होने वाले गांठ के बारे में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे क्या चीज होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखो समझो बाबू, यहाँ पे ये जो बसीय पिंड होता है, जो बसीय उत्तक होता है, समझिए बढ़िया से, ये जो बसीय पिंड हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले, तो ये बसीय उत्तक जो होता है ना कभी कभी क्या हो जाता है कि बसा जो उत्तक होता है या बसीय पिंड जिसको हम लिखे हैं, तो ये बसा जो होता है इसको बसा उत्तक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बसा उत्तक कह सकते हैं। तो ये जो बसा उत्तक होता है, अगर इस बसा उत्तक में किसी प्रकार की क्षति होती है, क्षति करने का मतलब अस्तन में किसी प्रकार चोट लग जाता है, या कह सकते हैं कि अस्तन में जब बच्चा दूध पीता तो दाती काट लेता, किसी भी प्रकार से जो है ना इसमें जब क्षति पहुंचता है, तो इस बसा उत्तक में धीरे धीरे एक गांठ बनना
शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू होता है? एक गांठ बनना शुरू होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अच्छा गर्भवती महिलाएं हैं, जब संतान होती है तो उसमें संतान के लिए दूध को उत्सर्जन करना पड़ता है, दूध उत्सर्जित होता है अस्तन ग्रंथि से, तो वो बच्चा दूध पिएगा। लेकिन कुमारी लड़कियों में कैसे गांठ हो जाती है? तो देखिए कुमारी लड़कियों में अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया आक्रमण करता है या चोट वगैरह लग जाती है ना, या दबाव स्तन पे पड़ने की वजह से वसा ऊतक में जो है क्षति पहुंचता है और वसा ऊतक धीरे धीरे गांठ का रूप धारण करने लगता है, और इस गांठ को हम लोग ऐसे फैट नेक्रेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट नेक्रेसिस, फैट नेक्रेसिस भी कहते हैं। समझिएगा बढ़िया, क्या कहते हैं? फैट नेक्रेसिस। और ये फैट नेक्रेसिस जो होता है ना, ये धीरे धीरे वृद्धि करता है। क्या करता है? धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक समय के बाद जो है ये कैंसर का रूप पकड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझिए, ये जो अस्तन की जो ये त्वचा है, इस त्वचा के नीचे अस्तन की जो त्वचा होती है, यहाँ पे लिख देते हैं अस्तन की जो त्वचा है, इस त्वचा के नीचे एक और छोटे छोटे जो है ना गांठ होने शुरू होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे गांठ होना शुरू होता है जिसको लिपोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोमा कहते हैं। और ये लिपोमा जो है ना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ज्यादा आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ता है, और ये कोई हानिकारक नहीं लिपोमा होता है। जैसे हम लोग चिकन वगैरह भी खा रहे हैं ज्यादा ना मांस मछली, तो उसके कारण देखिएगा शरीर में जहां तहां गांठ के जैसा वो त्वचा के अंदर में रहेगा, ऊपर में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे पकड़ लेगा तो लगेगा गांठ गांठ जैसा शरीर में भी कहीं पेट वगैरह में भी हो जाती है, लगता है कि गिल्टी गिल्टी के जैसा, तो वो लिपोमा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है ना। लेकिन कुछ क्या होते हैं ना, नर और मादा जब सेक्स क्रिया के समय इस पर दबाव ज्यादा डालते हैं, तो इस पर दबाव डालने की वजह से ना इसमें क्या होता है कि संयोजी बसा उत्तक के समय एक दूसरे से क्षति पहुंचते कस के ऐसे दबाव डालने से, यानी एक समझ रहा ना बात है आगे, तो ऐसा नहीं इसमें लटकल नहीं रहना है। ठीक है, तो ये ज्यादा जो है ना दबाव डालने की वजह से, ये बस ये पिंड में दबाव डालने की वजह से ना ये क्या होते हैं कि फैट नेक्रेसिस की बीमारी धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और किसी किसी महिलाएं में क्या होती है कि जब संतान दूध पीता है तो वो दूध पीने की वजह से या गंदे कपड़ा बच्चों को अच्छे तरीके से ना साफ नहीं कर पाता है, और अच्छे तरीके से साफ नहीं कर पाता है जैसे तैसे अपने बच्चों को ही दूध पिलाता है, अपने शरीर को अच्छे तरीके से साफ नहीं कर पाता है, तो इसमें ना ये निपल्स जो होती है इस निपल्स के चारों ओर बैक्टीरिया आकर के आक्रमण हो जाता है। क्या होता है? बैक्टीरिया जो है आक्रमण हो जाता है, और बैक्टीरिया जब आक्रमण हो जाती है इस निपल्स के चारों ओर, तो इस निपल्स के चारों ओर का जो भाग होता है वो लाल लाल महीन महीन दाने, लाल लाल महीन महीन दाने जो है उठने शुरू हो जाते हैं, और ये फोड़े फोड़े के जैसा होना शुरू हो जाते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में जो है खुजली धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और यही चल करके आगे जो है एक स्तन कैंसर का रूप धरता है। इसके अंदर फोड़े फोड़े जो है बैक्टीरिया आक्रमण करने के बाद ये वसा ऊतक को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे दूध की मात्रा में भी कमी हो जाती है, और यह व्यक्ति जो है महिला जो है यह धीरे धीरे बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाता है। अगर किसी महिला के निपल्स के चारों ओर लाल लाल महीन महीन दाने हो के उसमें खुजली हो रही है, तो वैसे महिला संतान को दूध ना पिलाएं, क्योंकि संतान में भी इन्फेक्शन होने का डर होता है। लेकिन कुछ महिलाएं नहीं समझती है इस बातों को, और लाल लाल महीन महीन दाने हो रहते हैं और उस पर कई प्रकार के केमिकल से युक्त एक क्रीम वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, और उसी निपल्स को बिना उस पर धोए पोछे ही संतान को दूध पिला देती है उसी निपल से, इससे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, और बच्चों में इन्फेक्शन होने की वजह से कई तरह के बच्चों को परेशानियां झेलना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो ये था आपका वसा ऊतक के गांठ बनने का, कि वसा ऊतक में क्षति होता है, कि इस प्रकार के नष्ट होता है, तब जाके गांठ का निर्माण हो जाता है। गिल्टी इसके अंदर अगर मान लो इस जगह वसा ऊतक है, इस जगह किसी प्रकार का नुकसान हुआ, तो इस अस्तन के इस जगह पे गिल्टी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इसका इलाज बहुत सटीक है, तुरंत इलाज सही हो जाता है। ठीक है, तो ये था अस्तन के बारे में थोड़ा सा, और इसको जो है ना आप कॉपी में अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो क्लास में ऑफलाइन दिए ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।